हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी कढ़ी पकौड़ा। ये बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी आपको बनाना, आप लोग सेम तरीके से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। हाय, मैं हूँ मनीषा, आपको मनीषा किचन में स्वागत है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पकौड़े बना लेंगे। पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक जार लिया है। जार में मैंने 1 कप दाल डाले हैं, इसको मैंने रात भर भिगो के छान लिया है। मैंने ये थोड़े से पानी डाल के इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। रेडी हो गया। अब इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको फेंट लेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए रेडी हो गया। अब इसके पकौड़े बनाएंगे। मैंने तेल को गर्म कर लिया कढ़ाई में। अभी पकौड़े डाल मीडियम साइज के, एक एक करके सारे हम डाल देंगे। ये देखिए हमारा ऊपर आ गया पकौड़े। अब इसको पलट के पका लेंगे दूसरी साइड भी। पकौड़े पक गया, अब हम निकालेंगे इसको बाहर। अब हम कढ़ी के लिए हम रेडी करेंगे। 3 से 4 मैंने यहाँ मिर्ची ली है, 4 से 5 लहसुन। इसको पेस्ट बना लेंगे ऐसे कूट के। देखिए ऐसे पेस्ट बना लेना है। अब कुछ खड़े मसाले लेंगे। से 12 कड़ी पत्ता, 2 लाल मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 प्याज लिया मैंने। प्याज को पतला ने चॉप के लिया है, और लहसुन मिर्ची का पेस्ट। 1 बाउल लेंगे, बाउल में हमने बेसन डाले हैं 4 चम्मच। अब इसमें मैंने 300 ग्राम मैंने यहाँ पे दही डाला है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे इसका। जितना हम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे उतना अच्छा हमारा कढ़ी बनेगा। देखिए बिल्कुल ऐसा ही बना लेना है। अब हम कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। सारे यहाँ पे खड़े मसाले डाल दिए हैं। इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे और लाल मिर्ची। इसको चटकने देंगे। प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भूज लेंगे। अब इसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल के इसको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर। ये फ्राई हो गया। अब इसमें हमने जो बेसन और दही का पेस्ट बनाया था उसमें डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। छिलाल के बीच बीच में हम इसे पका लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने 4 से 5 कप पानी डाला है। अब इसको छिला लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसी क्वांटिटी में रखना है, बिल्कुल पतला। अब इसको फुल फ्लेम पे बॉयल आने तक हम इसको पका लेंगे। इसमें नमक डाल देंगे। अभी यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अभी इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और फुल फ्लेम पे इसको बॉयल होने तक पकाएंगे।
ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ये देखिए बॉईल आ गया। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े को भी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। देखिए हमारा कढ़ी रेडी हो गया। देखिए बिल्कुल गाढ़ा ऐसे हो गया है। आपको जितना गाढ़ा चाहिए उतना आप ऐसे बना सकते हैं इसको। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।